जबलपुर जहां लोगों की किचन से प्याज गायब हो रहा है, वहीं दूसरी ओर प्याज सड़ रहा है। प्याज की बढ़ती कीमतों से परेशान सिर्फ कस्टमर ही नहीं बल्कि प्याज बेचने वाले दुकानदार भी हैं। तो हमने इसका जायजा लिया। जब न्यूज की टीम ने बरेली के नगर निगम सब्जी मंडियों में दुकानदारों से बात की तो व्यापारियों ने अपना दर्द बयां किया। यहाँ से प्याज आ रही नासिक में, वहाँ पे प्याज सड़ चुकी है, इस चक्कर में प्याज महंगी है। बरेली में प्याज कहाँ कहाँ से आती है? बरेली में अलवर से आ रही है, नासिक से आ रही है। और कहाँ की प्याज सड़ी है? नासिक की। अच्छा, ये जो 100 रुपए किलो प्याज बिक रही है, इसका क्या एक कारण है कि पहले कुछ दिन पहले ही 60 रुपए थी, अब 100 रुपए एकदम उछाल? अभी और महंगी हो सकती है, चक्कर था कि प्याज जिनके पास स्टॉक लगा हुआ है वो लोग महंगी करके बेच रहे हैं, जिनकी सड़ गई है वो परेशान है। बरेली में नासिक और अलवर से प्याज लाने वाले व्यापारी का कहना है कि प्याज के रेट आमतौर पर 90 रुपए किलो से 110 रुपए किलो तक बिक रहा है और धड़ी 500 रुपए किलो बिक रही है, जिसके कारण लोग नहीं खरीद रहे हैं और प्याज सड़ रही है। इतनी महंगी क्यों है प्याज? सब सड़ गई है, बारिश की वजह से महंगाई है। कितने रुपए इस समय चल रही है मंडी में प्याज? मंडी साहब इस टाइम 90 रुपए से 95 रुपए चल रही है। और कितने रुपए दहली चल रही है प्याज? यहाँ साहब इसी भाव, वहाँ से भाव जिस भाव आ रही है इसी भाव की बिक्रेगी, यहाँ को लेने को तैयारी नहीं, सड़ जा रही है, सड़ जाएगी हमारी। प्याज ने न सिर्फ लोगों के आंसू निकाले हैं बल्कि खाने का स्वाद भी बिगाड़ दिया है। महंगे प्याज के कारण कोई प्याज नहीं खरीद रहा है और मंडी में पड़ी प्याज सड़ रही है। प्याज के दाम बढ़ने से न सिर्फ आम आदमी का बजट बिगड़ा है बल्कि दुकानदार और व्यापारी भी इसकी मार झेल रहे हैं। बरेली से न्यूज़ के लिए विकल्प कुदेशिया की रिपोर्ट।